अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चपनी कद्दू। बड़े ही ईजी बन गए हैं और ये मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ चपनी कद्दू। जो है मैंने चपनियों को जो है बारीक बारीक काट ली है। बारीक बारीक काट के तो इसके अंदर जो है प्याज और टमाटर ऐड कर दिए। अब इसमें सुर्ख मिर्च, घी, सारे मसाला जात इकट्ठे ऐड करके इसको प्रेशर पे लगा देंगे और बड़ी जल्दी इजी सी जो हमारी रेसिपी है ये रेडी हो जाएगी। अब मैं बारीक बारीक हरी मिर्चें जो है वो काटूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन तीन जो है वो हरी मिर्चें काटनी है। अब मैं इसके अंदर एक चम्मच जो है घी का ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हम लोग मसाले जो है वो ऐड कर देंगे जल्दी से। सबसे पहले ऐड करेंगे नमक हसबे ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना काफ़ी, हम लोग नमक जो है वो बहुत ही कम यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। गरम मसाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हसबे ज़ायका। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी आधी चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी भी डाल दी हमने। अब इसके अंदर ऐड करेंगे सुरख मिर्च जी। तो सुरख मिर्च जो है वो डिब्बी के अंदर ख़त्म हुई पड़ी है और इसको डिब्बी के अंदर जो है नहीं डालने वाली है, तो मैं डालूँगी। होप हो कि आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगे। बिस्मिल्लाह हमारे मिर्च जो है वो बस एक चम्मच थोड़ी सी ज़्यादा इतनी सी बस ऐड कर देंगे। अब इसको हिलाएंगे अच्छे से। इसमें हमने पानी वगैरह तो ऐड करना नहीं, क्योंकि ये अपना जो पानी है वो पूरी छोड़ता है और इसके अंदर ही गल जाते हैं ये कद्दू, चपनी कद्दू। क्योंकि आपको पता है कोरोना वबा है, इन दिनों में अल्लाह पाक से हमें जल्दी से जल्दी निजात दिलाए और पूरी दुनिया पूरी इंसानियत को इससे महफूज रखे। और इन दिनों में अपने इम्यूनिटी लेवल को रेज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्जियों का यूज़ करें, फ्रूट्स का यूज़ करें। जी तो मैं जो है कुकर प्रेशर इसको जो है बंद करूँगी, ऊपर से लगाए के वेट 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ताला जो हमारा खाना होगा वो होगा रेडी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो नाज़रीन सालन जो है हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए। होप्स हो के आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अ नाइस डे विद सेहत। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।